अदानी विल्मर और अदानी पोर्ट दोनों में बाइंग में कहाँ लेवल्स दिखाई दे रहे हैं सर, या रेंज अगर कुछ दिखती हो तो वो भी बता सकते हैं। AWL अदानी विल्मर सर, अदानी विल्मर में बाइंग बनेगा तो अगर इसमें मेरा कोई बाइंग बनेगा भी तो ये 670 के ऊपर ही बनेगा। अभी मेरा बदानी अदानी विल्मर में ऐसे कोई बाइंग है नहीं और ये कंसोलिडेशन जोन पे साइडवेज जोन पे है। और इस काउंटर से तो मैं बोलूंगा भी कि अगर कभी अपर सर्किट कभी डाउन सर्किट से कभी अपर सर्किट लगाने देखा है, डाउन सर्किट भी है उसी दिन अपर सर्किट भी है, तो मेरे को ये इस टाइप के काउंटर अच्छे नहीं लगते। मतलब मेरे को ये काउंटर अच्छे नहीं लगते कि यहाँ पे इन्वेस्टर को अपना एग्जिट का मौका देते हो ना एंट्री का मौका देते हो। तो दैट मीन्स इट इज इन द हैंड्स ऑफ द ऑपरेटर कि ऑपरेटर इसको अपने हिसाब से कभी अप कभी डाउन करवाते हैं। ठीक है, अदानी पोर्ट मैं बार बार बोलता हूँ कि अदानी पोर्ट इज फंडामेंटली अ वेरी गुड काउंटर, अदानी पोर्ट को रखिए। लॉन्ग टर्म में ये 1500 से 2000 का काउंटर है एंड इसको पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। अदानी ग्रुप में अगर फंडामेंटली सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर है वो है अदानी पोर्ट, बाकी सब तो मार्केट पीई को भी पार कर गए हैं। मतलब बाकी सबका तो पी का कोई मतलब आई डोंट नो कि मतलब सारे सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स के ऊपर ऐसे दौड़ लगा रहा है जैसे लग रहा है कि आई डोंट नो इसका है, मतलब सारे काउंटर्स में वैसी क्या तेजी आ गई है। बट अदानी पोर्ट अभी भी अपने पी रेशियो के मार्केट पी के आसपास चल रहा है या उससे नीचे ही है एंड इट इज़ अ गुड बाई। पहला टारगेट दूंगा किसी को भी रखना है, पहला टारगेट 1100 का रखिए, दूसरा टारगेट 1500 का रखिए, नजरिया 1 से 1.5 साल का रखिए। अदानी पोर्ट बहुत अच्छा पैसा देके जाएगा। इनफैक्ट अदानी ग्रुप में सबसे वेल मैनेज्ड और फंडामेंटली सबसे अगर स्ट्रॉन्ग काउंटर है तो यही है। और अभी आई थिंक इसमें थोड़ा सा तेजी भी बना हुआ है। आई थिंक लास्ट डे में कुछ आई थिंक इसराइल का कोई पोर्ट को डेवलपमेंट करने का इनको कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है, आई थिंक इसराइल गवर्नमेंट से या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो वो बहुत सारी चीजें हो रही हैं और उसके चलते बढ़िया तेजी, लेकिन लॉटरी जैसा सब लोग मान के चल रहे हैं सारे अडानी के स्टॉक्स को, लेकिन जिसमें जहां पे फंडामेंटल्स या जहां पे टेक्निकली बहुत सारे तरीकों से अलग अलग एस्पेक्ट से जो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक दिखता है उस बास्केट में। जी सर, मैं इस चीज के एकदम मतलब मैं इस चीज के एकदम खिलाफ हूँ कि कोई भी स्टॉक अगर बढ़ रहा है। चलो ये चीज में जेपी ग्रुप बहुत अच्छा चलता था, जेपी एसोसिएट का दाम 3200 रुपए था, 700 रुपए से 3200 रुपए चला गया था, आज 12 रुपए 15 रुपए का आई थिंक रेट होगा जेपी एसोसिएट्स का। तो दीज आर द थिंग्स कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो अर्ली लेवल पे घुस गए वो मुनाफा बना लेंगे, क्योंकि जो हायर लेवल पे जाएंगे वो इस पे मुनाफा नहीं बना पाएंगे और उनका पूरा कैपिटल इरोड हो जाएगा। एंड सब बोलते हैं कि अदानी में बबल है, आई डोंट नो बबल है कि क्या है जो भी है, बट मेरे को मार्केट पी से भी 10 गुना ज्यादा इसका पी चल रहा है, आई डोंट कमेंसुरेट विद दैट। अदानी विल्मर ठीक है ओके, बट अदानी ग्रीन बोल लीजिए, अदानी टोटल गैस बोल लीजिए, तो आई डोंट थिंक कि मार्केट पी से आप मार्केट पी से थोड़ा वो डिविशन आई थिंक हो सकता है, बट 10 times 20 times डिविशन दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक बात, बबल तो शायद ना हो लेकिन बलून हो सकता है या बॉल हो सकती है, ये तो समय ही बताएगा कि क्या है। इसमें इट इज वेरी अर्ली टू कमेंट, ठीक है माइट बी, बट अपने को मैं बार बार निवेशकों को ये बोलूंगा कि अपना कैपिटल का सेफ्टी आप अपने हिसाब से रखिए, कि कल को पता नहीं चले कि कल को अदानी ग्रुप भी नेक्स्ट यस बैंक हो गया तब आप क्या करोगे। शेयर मार्केट है, कुछ भी पॉसिबल है सर। ठीक है, इसीलिए हमेशा नीचे वो लिख दिया जाता है कि अधीन वो रिस्क फैक्टर्स मार्केट के, तो वो जरूर ध्यान रखिए। मैंने बहुत अच्छे अच्छे काउंटर्स को इस तरीके से टूटते हुए देखा है सर। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को DHFL को 600-700 रुपए के भाव पे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि DHFL का ये हाल हो जाएगा कि लास्ट में वो पूरे इन्वेस्टर्स का पैसा इरोड करके NCLT में जाने के बाद में उसको पीरामल ग्रुप ले लेगी। बहुत सारी इंडिया बुल्स है, ये वो वाले स्टॉक्स हैं या वो वाली कंपनीज हैं जहां ऐसा कुछ अंदेशा भी नहीं था, कोई ऐसा कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि कभी ऐसा कुछ हो सकता।